पैसा लगाने वाला है वो आलोक मौर्या है। अगर आलोक नहीं रहता आपको कहाँ से, आपको कौन पैसा लगा देता? शादी जबकि हो गई थी आपकी, तो दहेज के लोभी रहते हैं तो पैसे क्यों लगाते हो? अपना पैसा बैंक में ना रखते जी। आपको कुर्सी मिल गया, आप सब इल्जाम अपने हस्बैंड पे लगाने लगी। ना दोषी ज्योति मौर्या है जी, उससे चौगुना दोषी मनीष दुबे भी है। यही तो दुख की बात है कि जेंट्स लोग कर रहे तो अच्छा है, लेडीज लोग कर रहे तो बाउर। ये बहुत गलत चीज है। अगर वो औरत अपने मन से किसी और के पति के पास चले तो कोई तकलीफ नहीं है। लगता है कि मतलब जितने पति अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद से जब से संदेश मिला है कि नहीं ऐसा जो ज्योति मौर्या का खबर चला है, उसके बाद से अपने अपने पत्नी को बुला लेते हैं घर। ठीक है, वो अपना अपना ये है, अपना अपना सोच है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि मेरे भी हस्बैंड है और हम अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और आपसे ये भी बता दूं कि संगीत लाइन से हम हैं और संगीत लाइन से हमको टीचर भी बनना है। और इस सब चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी इस सब चीज़ पे ज़्यादा केयर करते ही नहीं हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा ध्यान दे, आह मेरी भी वाइफ ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग एक तरह नहीं होता है, पांच उंगली एक बराबर नहीं होता है। और रही बात ज्योति मौर्या की, तो वो तो बहुत गलत की है। मुझे तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, इसलिए कि ठीक है मान के चलिए कि SDM है, मान के चलिए। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर रात भर अगर आप पढ़ी हैं, रात दिन एक की हैं, तो आपके आगे पीछे जो पैसा लगाने वाला है वो आलोक मौर्या है। अगर आलोक नहीं रहता आपको कहाँ से, आपको कौन पैसा लगा देता? शादी जबकि हो गई थी आपकी। ठीक है, कुछ हम देखें न्यूज़ में कि ज्योति मौर्या बोल रही है कि मेरे आलोक जो पति हैं वो दहेज के लिए हमको ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए अगर वो दहेज के लोभी रहते तो क्या वो पागल थे कि आपके ऊपर इतना पैसा लगाए? अगर वो दहेज के लोभी रहते तो पैसे क्यों लगाते हो? अपना पैसा बैंक में ना रखते जी। आपको कुर्सी मिल गया, आप सब इल्जाम अपने हस्बैंड पे लगाने लगी। ये तो बहुत गलत बात उनको है। पढ़ा लिखा कर SDM बना दिए, उसके बाद से उनको मालूम चला कि नहीं हमारे पति जो है सफाई कर्मी, झूठ बोलकर शादी की थी। देखिए ये छोटा बच्चा भी पहचान जाएगा उनकी झूठ को। ठीक है, सबसे पहली चीज है जिस कुर्सी पे बैठी है ना, बहुत मेहनत करके बैठी होंगी आप, तो उस कुर्सी का थोड़ा लाज कीजिए। ठीक है, मैं यही कहूंगी लाज कीजिए। अभी तो सस्पेंड हो गई है, अब जो भी ठीक है अच्छी बात, हम तो बहुत खुश है कि सस्पेंड। देखिए जितना दोषी ज्योति मौर्या है उससे चौगुना दोषी मनीष दुबे भी है। करना चाहिए उनके भी, क्योंकि वो भी अपने पत्नी के साथ धोखा दी है, अपने पत्नी के साथ वो भी धोखा दिया है, वो भी बाल बच्चे वाला है, वो भी कम घटिया इंसान है। बाभन के नाम पर भी क्या बताऊं, गाली आता है मुझे, ये साले सब कलंक है। नहीं नहीं, हम खबर में देखे थे कि उसका दो तीन तीन शादी किया है मनीष दुबे जो है। ठीक है, यही तो दुख की बात है कि जेंट्स लोग कर रहे तो अच्छा है, लेडीज लोग कर रहे तो बाउर। ये बहुत गलत चीज है। अगर देख रहे तो दो आंखें ना देखें, एक ही आंखें देखें, दोनों को बराबर देखें, हमारा यही कहना है। अगर ठीक है मान लेते हैं ज्योति मौर्या, जहाँ हम रिकॉर्डिंग भी सुने हैं ज्योति मौर्या और मनीष दुबे की वाइफ का, ठीक है, और उनकी वाइफ बेचारी बहुत रो रही है, बहुत गलत बात भी बोली है मनीष दुबे की। हाँ। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पति को कोई अगर हक लेके छीन ले तो हर एक औरत को तकलीफ लगता है। ठीक है, अगर वो औरत अपने मन से किसी और के पति के पास चले तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी का घर तो नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक है, मान लेते तुम्हारा शादी था, अब बोल तो रही हैं SDM जी, ज्योति मौर्या बोल रही है कि मुझे नहीं पता था कि मनीष जी का शादी हो गया है। ये कौन सा प्यार है भाई? आपको एज से नहीं पता चल जाएगा कि उनकी शादी हुई? उनका फोटो हम लोग देखे, फोटो देख के लगे कि बच्चे के बाप हैं, कैसे आप समझ गए कि उनकी शादी नहीं हुई होगी? इतना प्यार हो गया, शादी में जाएंगे एक लड़का स्माइल कर दिया उनका से प्यारे हो गई है, हेजे को लड़का स्टेशन पर लाइन दे दिला से ओकरा से प्यार हो गई, नंबर ले ला हो गई। अब देखिए ना फेसबुक से प्यार बहुत ज्यादा हो रहा है, फेसबुक ही ज्यादा प्यार चल रहा है ज्यादा। अच्छा, फेसबुक से पूजा का एगो प्यार चल रहा है। उसका पति रह रहा है कोलकाता, कोलकाता से कमा के पैसा भेज रहा है, गाँव में रहती है। अब वो उसको तो मोबाइल हल्का फुल्का गाँव के लगे, बड़ा मोबाइल में चलो मोबाइल मिलकर फेसबुक चला ले, फेसबुक चलाते चलाते प्यार हो जाता है गांव के लड़के से। ये कौन सा प्यार है भाई? तुम गांव के लड़के से ही प्यार कर ले रही हो, हाय हेलो बाय वेलो चालू हो गया, तुम एक 4 साल की बच्ची को छोड़ के तुम उस लड़के के साथ चल जा भाग जाती है, 20 दिन 22 दिन उसके साथ रहती है, उसके बाद वो लड़का खुद तुमको छोड़ दिया, तुम कहाँ की रह गई? तुम कहाँ, ये प्यार है? ये कौन सा प्यार है? ये कोई प्यार नहीं, ये खिलवाड़ है। ठीक है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग मतलब पढ़ा रहे हैं अपने बीबी को
जितने लोग हमारे यूट्यूब से देख रहे हैं, जो चैनल से देख रहे हैं, और मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग डरिए मत, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी औरतें हैं जो पति वरता है, ठीक है, और पति के इशारों पर चलती है। मैं खुद अपना बोल रही हूँ, मैं खुद और लोग का क्या बोलूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मैं एक मालकिन की तरह बैठती हूँ यहाँ पे, और एक नहीं दस दस बीस बीस हर दिन रिकॉर्डिंग होता है, हर दिन जेंट्स आते हैं, हर दिन जेंट्स सिंगर आते हैं, तो क्या इसका मतलब यही होगा कि हम प्यार कर बैठेंगे? जी बिल्कुल नहीं। और पति पत्नी का जो प्यार होता है ना, टूट प्यार होता है, ठीक है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। आज जो नया पे प्यार चला है, लहर उठा है, कोई लहर नहीं है, बर्बादी है, और अपना खुद बर्बाद कर रहा है सब। चलते चलते क्या कहिएगा हमारे दर्शक से? अब दर्शक से यही कहेंगे कि प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी पत्नियाँ को या फिर अपने बच्चे को बेटी को पढ़ाइए, डरिए मत, बिल्कुल नहीं। काजल जी लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो पति से धोखा करके गैर मर्द से बात करती है, इस पर क्या कहिएगा? दो टाइम बोल दीजिए बस, उसके बाद इस पे हम क्या बोले? अब बेवफा कहा जाता है। हाँ, बेवफाई है जो बेवफाई कर रहा है, अपने पति से जो है धोखा कर, बहुत बहुत गलत से बात कर रही है। हम आपसे बता रहे हैं कि हम न्यूज देखे ना, जिस दिन पहली बार ज्योति मौर्या का, उस दिन मुझे हम आपको बता नहीं सकते, झटका लगा मुझे यार, कैसे कोई अपने हस्बैंड को धोखा दे देता है यार। हमसे तो कभी ही, यहाँ तक हम एक बात अपने हस्बैंड से नहीं छुप, मतलब नहीं छुपाते हैं, हर एक बात हम लोग शेयर करते हैं। लेकिन वो एक ज्योति मौर्या यार, जिस लेडीज़ को उसका पति मतलब कहाँ कहाँ से कर्जा ले लेके उस इंसान को पढ़ाया लिखाया, डीएम बनाया, हाँ, और आज तुम बोल रही कि सफाई करनी है। अरे तो तुम्हारे हाथ में ना है जी, उसको अपने लेवल पे लाना, वो तुम चाहेगे तो उसको अपने लेवल पे ला सकते, ठीक है, मान काम छोड़वा दो, हाँ काम मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं कमा रही हूँ, आप काम मत कीजिए, आप मालिक की तरह रहिए, मेरे साथ रहिए, कोई दिक्कत है। लेकिन तुमको तो चस्का लगा है, यहाँ नया लड़का मिल गया, प्यार हो गया। तो मैं यही कहूँगी कि ये प्यार नहीं है, ये खिलवाड़ है, और जितने लोग डर रहे हैं, अपनी पत्नियाँ को नहीं पढ़ा रहे, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचें, ठीक है, पढ़ाई उन लोग का जारी रखें, क्योंकि देखिए मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरा पढ़ाई एकदम बिल्कुल स्टॉप नहीं है, मेरा जारी है, और आप लोग भी जारी रखें बस। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, SDM जो ज्योति मौर्या है, उनका मेरा गाना कल रिलीज होगा, कल हम अपने चैनल से रिलीज करेंगे, काजल अनोखा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, आप लोग जरूर सुनिएगा, ठीक है। और अभी गाना हम दिए हैं लिखने के लिए, आज लिखा जाएगा, हल्का फुल्का लाइन है, हम बता देते हैं, सगर भइल न रे कोइल कर ना मावा, SDM वा बनते छोड़ दिहलु, SDM वा बनते छोड़ दिहलु, अपन सजाना वा SDM वा बनते छोड़ दिहलु। अभी लिखा रहा है, अभी मुझे याद नहीं है, और आज रात तक गाना आएगा, और म्यूजिक बन गया है, मैं कल 3:30-4 बजे तक गाना अपलोड कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर ये गाना सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बस यही तक, धन्यवाद।